हाँ दोस्तों, मैं उसमें तो आप देख रहे हो प्रो व्लॉग्स को। अभी हम जैसा मैंने कल दिखा के लिए व्लॉग, हम काशी पहुंच गए थे। तो काशी जैसे मैंने डुबकी लगाई अभी एंड ठंड लग रही है, कपड़े पहनता हूँ, बात करता हूँ। पता है बहुत ठंड है, इसलिए तेल लीटर तक देखा सर, धुआं निकल रहा है ना। मैं देख कहाँ पर है, देख भैंस क्या गे बैठ जा, इधर बैठ जा तू, चुपचाप सिट डाउन। देखा पूरे बॉडी के वॉर्म अप ले रहे हैं। हर हर महादेव बोल के महादेव का टीका लगा के निकल पड़े हैं वलही माता के दर्शन करने, जो हमारे इतने दिन से रह रहे थे आज जा रहे हैं करने। तो रहा हूँ दोस्तों, मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं यो प्रो व्लॉग्स को। तो आज अभी हम निकल पड़े हैं अगेन काशी में आकर वरही माता दर्शन करने। आज दर्शन करके रहेंगे माता के। जब भी काशी में होते थे ना, रोज़ उठने की कोशिश करते थे बट नहीं उठ पाते थे, बट आज भाई सो ही नहीं, हम उठने दूर की बात है। 2 बजे यहाँ पहुँचे थे, फिर वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे हमें ना जो आग जल रही थी वहाँ पे हम बैठ के मैंने एडिटिंग कर ली अपनी। अब टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 7:30 और 9 बजे मंदिर हो जाएगा बंद, तो हम एग्जैक्ट टाइम पर हैं। चलिए दर्शन करने चलते हैं एंड आपसे बात करते हैं, कम ऑन। तो ले अभी दोस्तों माता के दर्शन हो गए, बड़े अच्छे दर्शन हुए। ऊपर है ना, मतलब एक फ्लोर बना दिए हैं, मतलब एक छेद में से है ना माता का मुख और चरण के दर्शन करवाते हैं। तो साइड से दर्शन होते हैं, मतलब है ना आपको ना साइड में देखना पड़ेगा। हमारे 40 शक्तिपीठ कंप्लीट होते हैं भाई, 40 माता की कृपा से 40 हो गए, अब 11 रह गए, ठीक है वो भी माता की कृपा से हो जाएंगे। एनीवे अब थोड़ा सा चाय जो पीते हैं, कुछ खाई पी करते हैं एंड अखिल शायद नायो तो ही करेगा। हमको एक पंडित जी ने बताया था कि जब आप काशी विश्वनाथ जी दर्शन करते हो ना, तो उसके बाद में भी भैरवनाथ के दर्शन करना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो कोतवाल जी हैं यहाँ के काशी के, पूरे वाराणसी के कोतवाल जी हैं। तो कहते उनके दर्शन करना जरूरी है। बाद उन्होंने 1-2 मंदिर और बताए थे जो कि है ना इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सर्किट होता है वो पूरा करना पड़ता है, पहले उनके फिर उनके फिर उनके, ऐसे पार्ट टाइम कर दिया हो गया जी। अभी स्कूल है, कौन सी क्लास में? 8 हार्ड ली है। यहीं के रहने वाले हो जी? जी ठीक है, कॉफ़ी कोई देता नहीं है यहाँ, ज़बरदस्त है। ठंड कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर काशी में, पता नहीं क्या कुछ हो गया, इतनी ठंड लग रही है। खिल सोच रहा है नाऊं कि ना नाऊं। मैं नाऊंगा यार, बीमार हूँ। शरीर सुन हो रहा है धीरे धीरे, बाहर हाथ रखेंगे ना तो भाई शरीर सुन हो रहा है, कसम से हाथ सुन हो रहे हैं। ये 10:30-11 बजे टाइम हो रहा है समथिंग, इतना अखिल कह रहा है मैं डुबकी लगाता हूँ फिर दर्शन करते हैं। हमारे जो मंदिर रह गए थे ना, जिसके कारण हमको बार बार यहाँ पे आना पड़ रहा है, एक शक्ति हमको बार बार बुला रही है, जिसमें से वरही माता ने के दर्शन हमने कर लिए सुबह सुबह। उस करके हम देखो दर्शन करने के लिए हम सोए भी नहीं पूरा। मैं कहा अगर सो गए, 3 बजे सोए हैं तो उठने मन नहीं करेगा, मैं कहा सोता ही नहीं, सोए नहीं, फिर दर्शन भी अच्छे हो गए। मतलब जिसके लिए हमने नींद अपनी ख़राब करी ना, वो हमारे पूरा हुआ काम। सब अखिल अभी कर रहा है स्नान, फिर हम जाएंगे दर्शन करने अगेन। जितनी बार दर्शन करो उतनी बार कम है, दर्शन दोबारा करेंगे। वही हमको यहाँ पर एक अंकल जी मिले जो खुद YouTube चैनल चलाते हैं, और वो 10 महीनों से पैदल यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं। इस समय में लोग जो तीर्थ करते हैं 25-25-30 हज़ार रुपये दे के, एंड हमारे अंकल जी कर रहे हैं यहाँ पर खुद पैदल यात्रा कर रहे हैं, मतलब एक पैसे की बिना नहीं करे, सिंगल रुपये नहीं लगा रहे, ठीक है। तो अंकल जी का भी चैनल है, अंकल जी का चैनल है, अंकल जी 10 महीनों से कर रहे हैं ये अंकल का चैनल, ठीक है भाई। चैनल ठोको, सब्सक्राइब करो, जितने अगर जिनको आपको व्यूज़ देखना है देखो, और अंकल जी का देखो, ठीक है जी। हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ के लिए। हमने दर्शन कर लिए ऑलरेडी, बट है ना एक जो सर्किट होता है ना, सर्कल होता है वो करना पड़ता है। भैरव जी दर्शन करने पड़ते हैं, ठीक है, गौरी माता के दर्शन करने पड़ते हैं, संकटा जी दर्शन करने पड़ते हैं, तो सारे मंदिर दर्शन करने पड़ते हैं एक सीरीज़ के अंदर। तो पहले हम करेंगे दर्शन काशी विश्वनाथ जी के, बैगर सबमिट करा देंगे अपने, फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाएंगे, कैमरा सबमिट हो जाएगा, तो आगे शूट नहीं कर पाऊँगा अंदर में। तो हम अंदर क्या करेंगे, पहले दर्शन करके फिर खाना खाएँगे, ठीक है, अन्नपूर्णा जो वहाँ पर खाना मिलता है, दें फिर आगे चलेंगे सर्किट दर्शन करने के लिए।
एसआईपी चल रही होगी। तो भाई दोस्तों खाना खा के दर्शन करके अब निकल लिए हम अपना बैग चक्के। हमारा काम ही यही है दर्शन करना और आपको दिखाना, अगर किस्मत है आपको दर्शन करा देना, भाई सिस्टम है अपना। भाई चलो चलते हैं, जो टेंट में नहीं रहने बसे रहे वहाँ पर लोग जो है जो अपने जो यार मित्र उनके वहाँ चलने लग पड़े, वो आजकल है ना समेटते रहते हैं ना कंबल कुंबल, तो उनको ड्यूटी दे दिया है तुम यहाँ रह लो कंबल कुंबल समेट दे करना बस रोज की। एंड ये रहा मंदिर और मणिकर्णी का घाट और एज यूजुअल चिताएं जलती हुई। भाई ये दोनों यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं, इनको ड्यूटी पर रखा है, सिस्टम सेट कर रहे हैं। और अभी सुमित भाई ने झाड़ू मारी है, हम लोग सभी घर में। मैंने झाड़ू मारी है, मैं जुड़ती नहीं है, मैं कौन सा 10 महीने रहना है मैंने यहाँ पर, एक दिन रहना है मैंने। तो काल भैरव मंदिर, ये मंदिर है काल भैरव जी का, तो यहाँ पे दर्शन करते हैं फटाफट। एंड पहले मैं जाता हूँ, अभी अखिल जा रहा है दर्शन करने के लिए, अब मेरे हो गए हैं। एंड अखिल गाते फिर चलेंगे हम संकटा माता के दर्शन करने के लिए एंड मंगला गौरी, ठीक है जी वेट करते हैं। तो अब निकले हुए हैं संकटा माता और मंगला गौरी जी के दर्शन करने के लिए, माता है तो दर्शन करते हैं आपको कराते हैं। भैरव जी दर्शन नहीं हो पाए, नहीं करा पाए, हमारे तो हो गए बट आपको नहीं करा पाए, इसका कारण ये है कि वहाँ पे कैमरा लाउड नहीं है, दैट्स अ रीज़न। जो लगा गया ईशा शाबाश, यहाँ की घर की खिड़कियाँ देखियो भाई, गेट देखियो घर के कैसे हैं, ये देखो छोटे छोटे, ये देखना, ये देखो हर किसी के घर में ऐसा ही है भाई। संकटा माता मंदिर कौन सा है, दूर है बेबी। ओह देखो गलियाँ देखो भाई, बाकी तो देखी बाड़ी, देखो गलियाँ इतनी छोटी नालियाँ होती हैं यहाँ पे, गलियाँ हैं बाकी, गेट देखो घर देखो घर के हैं। आज घूमे बनारसी गलियों में तो लिटरली अच्छे तरीके से रश नहीं है ना, तो पता लग रहा गलियाँ भाई। गौ माता हमारे संग रास्ता दिखा रही, कहाँ पे गौ माता कहाँ पे उस तरफ है, चलो चलो जय गौ माता। नारियल मिले प्रसाद, हम दोनों ग्रहण करते हैं प्रसाद को। संकटा माता, संकटा माता वो है जो हर संकट से निवारण करती है, लिखा हुआ है ओम नमो संकटा कष्ट हरिणी भवानी, भवानी माता जो हर संकट से हमको बजाती है निकालती है। जय माता संकटा। भाई हम प्रसाद निकालते हैं, तो भाई संकटा माता के बहुत प्यारे दर्शन हुए, माता ने बड़े अच्छे दर्शन दिए, आप भी कर लीजिए। अब निकलते हैं यहाँ से मंगला गौरी माता जी के दर्शन करने के लिए, फिर हम जाएंगे बड़ा गणेश जी, ठीक है दर्शन करते हैं। एंड ट्राई करता हूँ रिकॉर्ड कर पाऊँ आपके लिए भी, ताकि आप भी दर्शन कर पाएँ, मेरी तरह सौभाग्यशाली बन पाएँ। इसी तंग गलियों में से होते हुए, चिपकी चिपकी गलियों में से हैं, झुकते झुकते ये वेट कैरी कर रहे हैं ना वजन बैग का, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, अदरवाइज तो हम नमेट दे हैं। जी ये मंदिर है एंड हमने दर्शन कर लिए, अब निकल रहे हैं यहाँ से बड़े गणपति जी जो कि लोटिया जी के हैं, मतलब लोटिया जगह है वैसे के लिए, वहाँ के गणपति जी मशहूर हैं, तो वहाँ जा रहे हैं हम। तो चलते हैं फटाफट इन्हीं सेम तंग गलियों से होते हुए, दर्शन करते हैं और आपको करवाते हैं। चलिए जी आइए करते हैं दर्शन, करवाते दर्शन आपको, हो सका तो ट्राई करूँगा पूरा आपको कैमरे में दिखा दूँ कैसी है गणपति जी की मूर्त। बाकी मैं दर्शन करूँगा ये आपको देखी, हाँ अपना कर पा तो कोई दिक्कत नहीं, खुदाई कर लो भाई, ठीक है। काफ़ी चल लिया यार घर मिजाज, तो थक गए पूरा, नींद भी नहीं ली आज, आँखें थकी थकी है, जहाँ बैठ रहे हैं आँखें मुझे नींद लग रही बार बार, नींद सो रहा हूँ बार बार मैं। तो दोस्तों गणपति जी के दर्शन करके आ चुके हैं हम अगेन उसी मोड़ पर, जहाँ पे जो घाट की ओर निकलती है, गंगा घाट की ओर निकलती है, जहाँ पे हमने फ़ोन चार्ज वगैरह लगाते हैं ना, उसी सेम रोड ही है, वही गली है। तो अखिल कह रहा है कि यार एडिटिंग करनी है, टैबलेट चार्ज नहीं है, 15% चार्ज है, तो इट्स बेटर कि पहले इसको चार्ज कर लेते, फिर तो बैठ जाता है आधे घंटे पूरा चार्ज, क्योंकि फास्ट चार्जर है ना बेटा टैबलेट का। कहेंगे अखिल अपनी एडिटिंग जल्दी कर लेगा और जल्दी सो जाएगा, ताकि कल सुबह जल्दी उठ के अयोध्या निकल जाए। तो भाई ये पूड़ी खाते हैं, वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, देखो जो कहाँ पर लाइन लगी थी, देखो ये लाइन लगी, यहाँ पूड़ी प्रसाद दे रहे थे, मैं खा लेते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो ले लिए ग्रहण कर रहा हूँ मैं। तो भाई अभी हूँ मैं अयोध्या में, ठीक है जी, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि एंडिंग करनी वीडियो की, तो वीडियो की एंड नहीं कर पाया क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कर पाया था काफ़ी, जैसे मैंने बताया सुबह से सो ही नहीं जाते, सो गए थे, रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, एंड याद भी नहीं रहा कि यार एंडिंग भी करनी वीडियो की, तो यहाँ एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपको कल मिलेंगे अयोध्या में, आपको आई होप अयोध्या का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा,
तो बोलिए जय श्री राम, करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।